Assalamu alaikum students, hope you are fine and enjoying these video lectures on AI. Today our topic is problem solving by search technique. So there are two types of search technique. First is uninformed and second is informed, and further there are three different types of uninformed search which we will cover during these lectures. First is breadth first search, depth first search, depth first iterative deepening. In informed search we will cover greedy best search and a star search. So uninformed का क्या मतलब है, जिसमें जो है वो हमें गोल का कोई भी गेस हमें मौजूद नहीं पता होता. हम सारी स्टेट्स को क्या करते हैं, वन बाय वन करके चेक करते हैं. लेकिन इन्फॉर्म के अंदर हमें क्या है, गेस थोड़ा सा ह्यूरिस्टिक वैल्यू, हमें गेस गोल के बारे में पता होता है तो हम उस गोल की तरफ देखना शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि हम हर स्टेट को हम एक्सप्लोर करें. So before going into the detail of these search techniques, so there are some properties of search techniques which are the completeness, optimality, complexity with respect to time, complexity with respect to space. So what is completeness? Completeness mean if any searching algorithm guaranteed to find a solution when there is one, तो उस ऐसी सर्च टेक्निक को हम कंप्लीट सर्च टेक्निक कहते हैं, कि जो कि हमें क्या करे कि गारंटी करे कि सर्च स्पेस में से मैं गोल को निकाल के लेके आऊँगी, तो वो उसको कंप्लीट सर्च टेक्निक कहते हैं. इन द सेम वे द ऑप्टिमैलिटी, एनी सर्च टेक्निक, एनी सर्च स्ट्रेटजी फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन. एंड वट इज ऑप्टिमल, द लोएस्ट पाथ कॉस्ट अमंग ऑल सोल्यूशन. इफ देर आर टू सोल्यूशन, थ्री सोल्यूशन या थ्री मल्टीपल पाथ, and our search technique give us the path which have the lowest cost among all other paths to reach the initial state to goal state, then that search technique will be optimal search. And what is the complexity? Complexity mean how long time it takes to find solution. तो टाइम कितना लगेगा हम किसी भी सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड इन द सेम वे इफ हाउ मच मेमोरी नीडेड टू परफॉर्म रिसर्च, मीन कि गोल को फाइंड करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम लग, कितना कितनी मेमोरी चाहिए, हम इसको भी बन करके देखते हैं. सो नाउ वी विल सी हाउ दिस सर्च टेक्निक विल वर्क्स on a given problems. So first is breadth first search, which belongs to uninformed search technique. So I have an example of tree which have two branching factor, and depth is two. Branching factor mean the number of children of each node. So yahan pe har node ke do do children hai, to yahan pe branching factor iska two hai. And the depth is 0, 1, 2, 2 depth. So how it will traverse this tree? So हमेशा breadth first search क्या करती है, एक level wise काम करती है. So it will traverse the first level, then second level, and it will traverse the third level. So हर node के ऊपर check करेगी आया कि ये goal है या नहीं. First of all यहाँ पे A को इसने traverse किया, then इसने B और C को traverse किया, और last पे इसने third level पे डी ई एफ जी इसको ट्रैवर्स किया. सो हम इसको थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली देख लें किस तरह से काम करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. सो आई हैव क्रिएटेड अ क्यू विद फोर साइज. सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्यू मेरे पास एम्प्टी है, तो इस ए को इंसर्ट करूँगा यहाँ पे, और इसको विजिट करके जो विजिट की जाएगी उसको मैं यहाँ पे इसके अंदर डालता जाऊंगा कि ये मेरे पास जो है विजिट की हुई नोड है. सो ये थोड़ा सा हम प्रोग्रामेटिकली देख रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं हम. सो वी विल चेक द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ बीएफएस फॉर दिस ट्री. सो चेक दिस, आई हैव आई पुट नोड ए इन क्यू, एंड बिकॉज द क्यू वॉज एम्प्टी, एंड आई हैव ट्रेवर्स दिस नोड and write over here and mark the red color over here. And the children of node A, B and C, इसको मैंने क्या किया, क्यू के अंदर रख दिया, और क्यू की प्लेसमेंट देखें, अरेंजमेंट देखें, मैं किस तरह से उसको एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहा हूँ. मेरे पास ये क्यू एक ही है,
लेकिन वो अपडेट होके नीचे आ जाती, मैं इसको दोबारा फिर इसको यहाँ पे लिख दिया। क्यू का साइज वो 4 है, ये इसको क्यू आप कंसीडर कर लें। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम करती है। सो देन आई विल विजिट दी नोड बी एंड चेक वेदर इज इट इज गोल और नॉट। सो आई विल मार्क दी रेड कलर ओवर हेयर, सी ओवर हेयर आई हैव मार्क द रेड कलर एंड द चिल्ड्रन ऑफ बी नोड विच आर द डी एंड ई आई पुट इन क्यू दीज टू नोड्स इन क्यू। सो लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ दिस क्यू बिकॉज बी वी हैव विजिटेड दिस नोड एंड मैंने इसको इन क्यू कर दिया, डी क्यू कर दिया, डी क्यू इसको क्यू में से निकाल दिया, तो सी यहाँ पे आ गया और डी ई मेरे पास यहाँ पे आ गया। देन मैं अब किस नोड को विजिट करूंगा, जरा गेस करें। तो जारी बात है जो क्यू के अंदर मेरे पास सबसे ऊपर पड़ी हुई है नोड उसको मैं करूंगा। तो क्यू के अंदर मेरे पास सी नोड पड़ी है, तो देन आई विल विजिट दी सी नोड एंड मार्क दी रेड कलर ओवर हेयर एंड एड दिस नोड इन टू दी विजिटेड नोड। सो आई हैव मार्क दी रेड कलर ओवर हेयर एंड दी चिल्ड्रन ऑफ दिस नोड विच आर दी एफ एंड जी आई पुट दीज टू नोड ओवर हेयर। सो देन आप कैसे करें कि मैं किसको विजिट करूंगा, तो मैं विजिट करूंगा जो मेरे पास क्यू के अंदर सबसे पहले मौजूद है, बिकॉज दी क्यू जो है वो किस तरह से वर्क करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर। जो उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट आया होता है तो वही पहले बाहर जाता है। जैसे यहाँ पे ए पहले आया पहले ये गया, बी पहले आया तो बी गया, फिर बी के बाद सी आया था हमने सी को पहले एग्जीक्यूट किया उसको निकाला। देखते हैं यहाँ पे हम उसके बाद हम डी को किया मैंने, देन आई विल ट्रेवर्स द ई नोड एंड देन देर इज नो चिल्ड्रन ऑफ डी एंड ई नोड। सो मैंने इनके नोड की भी चिल्ड्रन नहीं है, मैं उनको ऐड नहीं कर रहा यहाँ पे। इन द सेम वे आई हैव विजिटेड दी एफ एंड जी, और देखें यहाँ पे मेरे पास क्यू जो है वो क्या होगी, वो एम्प्टी हो गई है। सो व्हाट इज द मेमोरी रिक्वायरमेंट टू ट्रेवर्स दिस ट्री बाय यूजिंग द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो देखें यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम साइज क्या आया क्यू का, वो यहाँ पे मेरे पास 4 आया। सो ऐसा ट्री विच हैव दी टू ब्रांचिंग फैक्टर एंड द डेप्थ इज 0, 1, 2, 2 डेप्थ एंड ब्रांचिंग फैक्टर इज 2। द मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर दिस ट्री टू ट्रेवर्स दिस ट्री बाय यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज 4। सो जस्ट लुक एट अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्री विच हैव टू ब्रांचिंग फैक्टर एंड द डेप्थ इज 3। नाउ वी विल सॉल्व और वी विल ट्रेवर्स दिस ट्री बाई यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड चेक द मेमरी रिक्वायरमेंट फॉर दिस ट्री यूजिंग दिस सर्च टेक्निक। सो आई हैव पुट ए इन क्यू, द साइज ऑफ दिस क्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, द साइज ऑफ क्यू इज 8 एंड आई विल राइट ईच ऑफ विजिटेड नोड ओवर हेयर एज आई डिड इन लास्ट एग्जाम्पल। सो आफ्टर विजिटिंग दी नोड ए आई मार्क दी रेड कलर ओवर हेयर एंड पुट दी चिल्ड्रन ऑफ दिस नोड बी एंड सी इन क्यू। देन आई विल ट्रेवर्स दी बी एंड द चिल्ड्रन ऑफ बी डी एंड ई आई विल पुट दीज टू नोड इन क्यू एंड मार्क दिस नोड एज रेड कलर बिकॉज आई हैव विजिटेड दिस नोड। देन आई विल ट्रेवर्स दी सी बिकॉज द नेक्स्ट नोड इज सी। सो क्योंकि ये नोड जो है वो क्या करती है, ये हर लेवल वाइज चीज़ों को देखती है। तो यहाँ पे देखें कि मैंने सी को ट्रेवर्स किया और दी चिल्ड्रन ऑफ सी नोड इज एफ एंड जी आई पुट दीज टू चिल्ड्रन ओवर हेयर इन दी क्यू। तो इसकी अरेंजमेंट देखें जरा कि जैसे हम क्या करते हैं, एक लेवल को ख़त्म करते हैं तो नेक्स्ट लेवल के जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्यू का पार्ट बन जाते हैं। देन आई विल ट्रेवर्स दी नोड डी विच इज एट द फ्रंट ऑफ दिस क्यू विच इज प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ दिस क्यू एंड देन आई विल ट्रेवर्स डी नोड एंड मार्क दिस एज मार्क रेड कलर ओवर हेयर। सो
इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्रैवर्स करते जाते हैं, ई को ट्रैवर्स करेंगे। ई को जैसे ट्रैवर्स करते हैं तो यहाँ पे देखिए ई के चिल्ड्रन मैंने क्यूब के अंदर डाल दिए, देन आई विल ट्रैवर्स दी विजिट दिस नोड एंड द चिल्ड्रन ऑफ दिस नोड आई विल पुट दिस टू चिल्ड्रन इन क्यूब एंड आई विल ट्रैवर्स आर विजिट दिस नोड जी। सो आफ्टर विजिटिंग दिस ऑल दिस नोड ऑफ दिस लेवल, तो नेक्स्ट लेवल के जो चिल्ड्रन है वो क्या है, क्यू के अंदर आ गए।